टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। इसको फाइव से इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इमेजिनरी लाइंस। जो लाइंस निकलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने पैडी धान देखा है, धान का खेती, धान की खेती आपने देखा है। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, कंसंट्रेट होकर सुनिए। तब तक समझने की कोशिश कीजिए जब तक समझ में ना आ जाए। आज नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम। इसमें क्या क्या यूटिलाइज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर्स में, अगर नहीं याद है, अरे नहीं आपको पता रहेगा तो मैं लिख दूंगा, याद कर लीजिएगा, जब पीछे का आप पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब होता है इन नंबर ऑफ लाइंस जहां से पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल्स मान लो कि हमने फैन चला दिया, ठीक है ना, फैन चला दिया ना, और एक जब फैन चलाया तो इन नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे कि नहीं आ रहे? रिप्लाई करिए, इन नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे या नहीं आएंगे? वही जो इन नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे होंगे पर दिखेंगे नहीं, वह एयर मॉलिक्यूल्स होंगे पर दिखेंगे नहीं, उसी एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारा बाल, सर का बाल देख, मान लो इतना हम एरिया ले लिए तो बाल है या नहीं है? बाल है या नहीं है? है, बाल है ना, यहाँ पे बाल है ना। तो ये जो बाल निकला हुआ ऊपर की तरफ, ये जितने बाल ऊपर की तरफ, ये जो बाल है इन सर्टेन एरिया, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? एक और एग्जांपल देखो, धान की खेती कितने बच्चों ने देखा है? पैडी, धान की खेती कितने बच्चों ने देखा है? धान की खेती कितने बच्चों ने देखा है? बोलो ना, कुछ तो बोलो यार। धान क्या होता है मतलब सर? अरे चावल यार, धान मतलब चावल। देखी सर चावल की। अब देखिए, मान लीजिए धान की खेती लगा हुआ है, ठीक है, साइकिल का टायर आपने देखा है, साइकिल का इस संस्कार नागरिक कौन है भाई? देखा है सर। ये कौन है संस्कार नागरिक? सर वो उस दिन नहीं, रात को नया बच्चा आया था। अच्छा अच्छा, लाइट हॉल्ट के लिए। ठीक ठीक, हाँ बेटा रे, मान लो कि वो जो क्या कहलाता है, टायर देखे हो साइकिल के टायर। हाँ सर, देखा है सर। साइकिल के टायर आंख बंद करके धान के खेतों में फेंक दीजिए तो आप क्या देखेंगे कि किस साइकिल का टायर कुछ धान, मतलब दो तरह से हो जाएगा, धान जो साइकिल के टायर के बाहर होगा और कुछ धान का पेड़ साइकिल के टायर के अंदर होगा। होगा या नहीं होगा? सर आंख बंद करके फेंकेंगे, मतलब चारों तरफ खेत है, आंख बंद करके तभी कोने फेंकेंगे ना जब चारों तरफ खेत होगा। मतलब साइड को फेंका। हाँ सर, हम लोग के तरफ क्या होता है, चारों तरफ धान की खेती होती है, मतलब चावल की खेती होती है, बात समझे क्या? तो चावल की खेती में क्या काम करिए, टायर फेंक दीजिए। गेहूं जानते हो? गेहूं खेती देखे हो ना गेहूं का? हाँ या ना? हाँ देखे सर। गेहूं का भी खेती, चावल धान का खेती, जो भी हो, आप आंख बंद करके साइकिल के टायर को फेंक दीजिए तो आप देखेंगे
कि वह जो साइकिल का टायर है क्या काम करेगा, नीचे जमीन पे गिर जाएगा और जो धान है या चावल है और गेहूं है वो दो पार्ट में बट जाएगा, एक पार्ट वैसा जो टायर के बाहर का और एक पार्ट वैसा जो टायर के अंदर। क्लियर हुआ? Yes, वह जो धान का पेड़ या गेहूं का पेड़ जो होगा इनसाइड द टायर उसी को कहते हैं फ्लक्स। क्या कहेंगे? फ्लक्स प्लस फ्लक्स फ्लक्स एफ फ्लक्स 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 क्या कहेंगे? फ्लक्स फ्लक्स क्या है? फ्लक्स फ्लक्स क्या है? एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस जो निकल रहे हैं, एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन निकल रहे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। और एग्जांपल देखो, जो हम लोग गार्डन में एक छोटा उसको धूप हम लोग बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते, गार्डन का एक घास होता है छोटा छोटा, देखे हैं क्या? वो जमता है। हाँ, देखा है ना सर। लगाते हैं हम लोग, देखे हैं क्या गार्डन में? हाँ। कितने बच्चों ने देखा जो गार्डन में लगाते हैं, मतलब उस पे चलते हैं, देखे हैं क्या? देखा है सर, देखा होता है सर। क्या बेटा, क्या बेटा? सब लोगों ने देखा होता है सर ऐसी चीज। गुड गुड। तो हम फिर वहां पे भी आप साइकिल का टायर फेंक दीजिए, आप देखें ये कि जो गार्डन की घासें होती हैं वो दो पार्ट में बटेंगी, एक टायर के बाहर और एक टायर के अंदर। हाँ या ना? अंदर। हाँ सर। जो टायर के अंदर की घासें हैं वही इलेक्ट्रिक, वैसे सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं, लेकिन एक सर्टेन रीजन की बात करूं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बात समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये हुआ एन नंबर्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस जो आउट होती है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आउट। अच्छा एक बार एकदम कंसंट्रेट होके सुनना मेरा, यह नहीं एमजी सर नहीं समझे सर। अच्छा कोई बात, मैं समझाता हूँ। देखो आज मैं इतना नीट एंड क्लीन समझाऊंगा, लेकिन कंसंट्रेट होके सुनोगे तो मैं समझा पाऊंगा। मेरी बात सुनो, क्या तुम लोग के खेतों में होता है? इधर क्या होता है खेती में? गन्ना, गन्ना नहीं, गन्ना, हाँ गन्ना देख रहे हो, गन्ना, गन्ना की खेती देख रहे हो? देखिए ना सर, गन्ने की खेती सबने देखा या नहीं देखा, सही से बोलो। यस सर, देखा है सर। गन्ने की खेती में साइकिल का टायर उठा लो और उस टायर को फेंक दो गन्ने की खेती में, फेंक दिए? हाँ फेंका सर। अब वो क्या होगा कि साइकिल धीरे धीरे नीचे जमीन पे गिर जाएगा, गिर जाएगा, हाँ या ना? हाँ गिर जाएगा सर। अब देखिए दो पार्ट खेत के गन्ने दो पार्ट में बटेंगे, एक पार्ट साइकिल के टायर के अंदर के गन्ने, हाँ या ना? हाँ, एक पार्ट साइकिल के बाद के गन्ने। क्लियर हुआ? हाँ सर। जो गन्ने हैं इनसाइड द साइकिल के टायर उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा वो जो साइकिल का टायर है उसे क्या कहेंगे? गॉजियन सरफेस। क्या कहेंगे? गॉजियन सरफेस। गॉजियन सरफेस उस सरफेस को क्या कहेंगे? गॉजियन सरफेस। गॉजियन सरफेस क्या कहेंगे? गॉजियन गॉजियन सरफेस। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हुआ? जो साइकिल का टायर हमने लिया और गन्ने के खेतों में फेंक दिया, जो कि साइकिल का टायर जमीन के नीचे मतलब पड़ गया, जो कि टोटल गन्ने दो पार्ट में बटा खेतों का, एक पार्ट इनसाइड द साइकिल के टायर और एक पार्ट आउटसाइड द साइकिल के टायर। जो साइकिल के टायर के अंदर के जो गन्ने के पेड़ थे, नहीं गन्ने के पेड़ जो साइकिल के अंदर के थे, साइकिल के टायर के अंदर के थे, उन्हीं गन्ने को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ सर। यस सर। और सेकेंड पॉइंट से यह हुआ कि जो साइकिल के टायर हुआ वो क्या हुआ? गॉजियन सरफेस। क्या है गॉजियन सरफेस? क्या है गॉजियन सरफेस? गॉजियन सरफेस विदाउट? नो सर। चलिए अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। जी सर। बेटा रे, बेटा रे, अब गन्ना क्या खेत में ऑटोमेटिक जम जाएगा ये बताओ? खेतों में जो गन्ना उगेगा या मतलब जमेगा, ग्रो करेगा, अब ऑटोमेटिक की गन्ना का बीज लगाना पड़ेगा ये बताओ? हाँ लगाना पड़ेगा, गन्ना का बीज लगाना पड़ेगा ना सर, कट करके लगाना पड़ेगा ना भाई, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर।
अगर हम गन्ना का बीज या गन्ना का जो भी है वो नहीं लगाएं तो ऑटोमेटिक गन्ना तो नहीं जमेगा खेतों में, हाँ या ना? हाँ बराबर है सर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? हाँ सर समझ रहा है सर। इसका मतलब ये हुआ कि गन्ना का जो उपज है कितना अच्छा गन्ना निकलेगा, कितना नंबर ऑफ गन्ना निकलेगा वह किस पे डिपेंड करेगा? गन्ने की फसल बहुत अच्छी हो किस पे डिपेंड करेगा? जल्दी जल्दी बताओ, दो चीज उसके बीच पर और सॉइल और दूसरी फर्टिलिटी, पट्टी मतलब मिट्टी पे। हाँ मिट्टी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सर? समझ रही है सर। बेटा सॉइल की फर्टिलिटी और एक बीज, बीज समझ में, दो ही चीज पे डिपेंड करेगा। यस सर। मतलब कि खेतों में जो गन्ने की पेड़ हमने लगाया वह गन्ना कितना ज्यादा फसल, मतलब कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा, कितना ज्यादा गन्ने का पेड़ निकलेगा, यह दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक उसके सॉयल के फर्टिलिटी पे एंड सेकेंड वन सॉयल बीज पे, सीड्स पे, सीड्स की कैपेसिटी पे, सीड कितनी अच्छी है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं सर। इस पॉइंट तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिए। हमने क्या क्या बात किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इमेजिनरी लाइंस, एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस। सेकंड पॉइंट, यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से निकलता है? चार्ज सरफेस, चार्ज 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 क्या हो, क्योंकि चार्ज ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलता है या इन होता है। यहां तक कोई बच्चा, किसी को डाउट? नो सर। चार्ज से इमेजिनरी लाइंस आउट या इन होता है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। मतलब यहां पे चार्ज क्या हो गया? गन्ने का बीज, गन्ने का बीज। हाँ, या नहीं हुआ? हाँ सर। गन्ने का बीज का मतलब क्या, जहां से इन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन निकले? हाँ या ना? यस तो सर। गन्ने हाँ का सर। बीज क्या हुआ यहाँ पे? चार्ज। कोई डाउट? चार्ज। कोई डाउट सर। अब गन्ने का बीज कहाँ किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सोयल पे। सेकंड पॉइंट सोयल पे, हाँ या ना? सोयल। एक बात और, हाँ। चार्ज का अमाउंट, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इमेजिनरी लाइन निकलेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा, आया ना? Yes, sir. एक कुलम चार्ज से, सपोज एक कुलम चार्ज से 10 इलेक्ट्रिक लाइन निकल रहा है तो 100 कुलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा? 1000, आया ना? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि यह डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा वह किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो कि बीज हमने मैग्नीट्यूडल चार्ज सर। समझ में आया? अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? किसी बच्चे को अभी भी डाउट है? नो सर, क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़े। बेटा रे मान लो कि एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन निकल भी गया तो वह कितना पास होगा, कितना जाएगा, कितना एटमोस्फेयर में निकलेगा वह किस पे डिपेंड करेगा? एटमोस्फेरिक सॉइल फर्टिलिटी। हाँ, फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल पे, हाँ या ना? सेम थिंग। यस सर। अगर ये चार्ज हमने लिया या चार्ज लिया यहां से निकलेगा लेकिन इस एटमोस्फेयर में एटमोस्फेयर कितना अलाउड करेगा कि चार्ज को हम बाहर निकलें? बात समझे क्या? जिसको की कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? यह मीडियम का प्रॉपर्टी है। वो क्या करता है कि चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइंस को पास कराता है, पास कराता है। बात समझे क्या? क्या कराता है? पास। जैसे एक एग्जांपल, आप अपने घरों पे बैठे हैं, हाँ या ना? मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, हाँ या ना? अब बताइए। हाँ सर। मैं यहां से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं और आप वहां पे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यहां से चिल्लाकर पढ़ाऊं और आपको वहां पे सुनाई दे, ये किस पे डिपेंड करेगा? मोबाइल के साउंड पर। हमारे और आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। समझ में आया नहीं आया? कि yes, मैं कितना एनर्जी, मैं कितना भी एनर्जी दे लूं,
और हमारा लैपटॉप वर्क ना करे, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी देने से नहीं होगा, उसको पास ऑन कराना पड़ेगा, और पास ऑन हम नहीं करा सकते, वो हम मीडियम कराता है। हमारे और आपके बीच मीडियम करा सकते हैं, हमारे और आपके बीच में कौन मीडियम है? लैपटॉप, मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ या ना? अगर यह खराब हो गया तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं, नहीं सर। का सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे होता है। क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन निकलते तो हैं, इसमें कोई डाउट? एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन निकलते हैं, जरूर निकलते हैं, बट क्या होता है वह इमेजिनरी लाइन पास ऑन हो, मीडियम में जाए, वह किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। हमने गन्ने की बीज लगाया, कोई डाउट? बहुत अच्छा बीज लगाया दो सर, और मिट्टी अच्छी ना हो तो क्या गन्ने के अंकुर को बाहर निकलने देगा? नहीं सर, नहीं निकल। बात समझ में आ गई ना बेटा? हाँ या ना? हाँ सर, समझ गए। क्या सभी बच्चे समझ गए कॉन्सेप्ट? यस सर, यस सर। अब मैं फिर से आगे थोड़ा सा शॉर्ट में लेके आगे बढ़ रहा हूं। यही है, सच पूछो तो यही गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम यही है और कुछ नहीं है। आप समझ गए हो गॉस थ्योरम? अगर मेरी कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो ऑल ऑफ यू आर मस्ट बी अंडरस्टैंड द गॉस थ्योरम। बाद में बताऊंगा गॉस थ्योरम क्या है, लेकिन आप समझ गए हो अगर मेरी बातें समझ में आ गई है तो। देखिए मैं फिर से बोलूं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आउट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यह एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस कहां से आउट होगा? चार्जेस से। मारेंगे चार्जेस, चार्ज से। यह एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस कितना ज्यादा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना नंबर में ज्यादा होगा, यह डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। चार्ज के मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कितना ज्यादा लाइंस आउट। सेकेंड पॉइंट, कितनी ज्यादा डिपेंड करेगा ना, मतलब आपने एग्जांपल दिया था एटमॉस्फेयर का। सेकेंड पॉइंट है कि कितने इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब पास ऑन होंगे। पास ऑन मतलब बाहर निकलेंगे, समझे? बाहर निकलेंगे, वह किस पे डिपेंड करेगा? एटमॉस्फेरिक डाइलेक्ट्रिक, एटमॉस्फेरिक मतलब कितने इलेक्ट्रिक लाइंस को पास ऑन करा दे रहा है। यहां तक क्लियर हुए नहीं हुए? क्लियर है सर। चल अब आगे बढ़ जाए, मतलब हमने बेसिक कंसेप्ट गॉस थ्योरम का पढ़ लिया, आगे बढ़े। हाँ सर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन क्या है और कैसे निकालते हैं तो लिखिएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाने से पहले एक बात और जाने, एरिया वेक्टर जानते हो? एरिया वेक्टर, किसी चीज का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकालते हैं? सिंपल, उसके जैसे मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड का एरिया क्या निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया। लेकिन हमने एरिया वर्ड नहीं बोला, क्या बोला? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर का मतलब वह फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बीन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पे एरिया वेक्टर वर्ड बोल रहा हूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? एक वर्ड आता है ना वेक्टर का मतलब क्या? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब किसी भी शेप एंड साइज का एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है। क्या होता है? हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है। एनी डायरेक्शन ऑफ एनी शेप ऑफ एरिया वेक्टर इज, कुछ भी शेप हो, कुछ भी शेप हो, उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड ही होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे बोर्ड का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? नॉर्मली आउटवर्ड। क्या बोला? नॉर्मली आउटवर्ड। क्लियर हुआ? इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? यहां पे नॉर्मली आउट, समझे क्या? यहां पे नॉर्मली आउट, समझ में आया क्या?
यहां पे नॉर्मली आउट। समझ में आया क्या? सो व्हाट इज द एरिया वेक्टर, व्हाट इज द एरिया वेक्टर, जो भी एरिया होगा, एरिया का तो हम निकालना जानते हैं, लेकिन एक वर्ड आ रहा है वेक्टर। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन देता है? हमेशा एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है। समझे क्या? समझे क्या? Yes, अरे बोलिए ना, समझे क्या? यस सर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है, कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड किधर होता है? नॉर्मली आउटवर्ड। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, लिखे पहला पॉइंट, लिखे एरिया वेक्टर, पहला पॉइंट लिखे एरिया वेक्टर। इट इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ एनी शेप they defined as area of any shape normally outward kya normally outward normally outward ka matlab maan lijiye bahar ki taraf ha out upar ki taraf bahar ki taraf isse maan lijiye ye shape hai ek minute ye shape hai इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इसका एरिया वेक्टर क्या होगा नॉर्मली आउटवर्ड मतलब किधर ऊपर है या एरिया वेक्टर अगर सिर्फ ऐसा हो तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर निकालना हो तो क्या होगा यह एरिया वेक्टर समझे कि नहीं समझे नॉर्मली आउटवर्ड एरिया वेक्टर इसको कहेंगे एरिया वेक्टर इसको कहेंगे एरिया वेक्टर मतलब क्या होता है ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड होता है क्या होता है Always normally outward. आगे बढ़े अब आगे लिखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं होती इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है डॉट प्रोडक्ट इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको फाई से कहीं कहीं फाई ई भी बोलता है ये आपके ऊपर है तो फाइ क्या है व्हाट इज द फाइ दैट इज फाइ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर यही होगा ना हाँ या ना अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन यही होगा ना हाँ सर वेक्टर ही डॉट अच्छा ए डॉट प्रोडक्ट कितने बच्चे को नहीं आता है नहीं आता तो बोल देना पहले बता दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा डॉट प्रोडक्ट कितने बच्चे को नहीं आता है
डॉट प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है? आता है। लिखो यहाँ पे, लिखो जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू किए होंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए हो गया, रब करूं तो फ्लक्स का डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए। यही बोले हाँ या ना? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ एरिया इनटू कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या डायग्राम होगा? मान लीजिए यह एरिया वेक्टर है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड ए। ठीक है, ठीक है। अगर यह एक दूसरे पे मैं रख करूं, सो एक मिनट सर, यदि इफ वेक्टर ई एंड वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर हो तो एंगल कितना हो जाएगा? अगर यह एक दूसरे के पैरेलल हो देन व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 0 degree। एंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो देन व्हाट हैपेंस? फ्लक्स विल बी 0। 90 degree। कितना जाएगा? सॉरी 90 degree। कॉस 90 का वैल्यू 0। तो माइनस में आएगा ना? कहाँ माइनस में आएगा? अब माइनस कहाँ आ गया? नहीं सर कुछ नहीं। बड़े आगे अगर यही एलिमेंट्री टर्म में ले रख करूं सब। एक मिनट सर, तो ये साइड ऑफ कर दो सर। और ये चीज एलिमेंट्री टर्म मिले मतलब छोटा पार्ट मिले तो क्या हो जाएगा? डी फाइ इक्वल टू डी डी ए कॉस थीटा इन एलिमेंट्री टर्म। ठीक है, नोट लिख लेना। नोट एरिया वेक्टर ऑलवेज
normally outward in direction. बढ़ो आगे. बढ़ो आगे. जी सर. अच्छा मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल या कांस्टेंट कैसे डिफाइन होगा? कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा कैसे डिफाइंड होगा? देखो तो एक बात दिखाता हूं. इधर पेन चलता हुआ दिख रहा है बेटा? हाँ सर. अब देखो यह घड़ी है, दिख रहा है? हाँ सर. इस घड़ी से n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस इससे अंदर से जा रही होगी. हाँ सर. जा रही कि नहीं जा रही है? हाँ सर. ये देखो इसके अंदर से n नंबर ऑफ लाइंस जा रही है. अब देखो कांस्टेंट या वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? क्या सर? या इसमें से जितने लाइंस इन्हें जाते होंगे या कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? अब देखो इसको टर्न कर रहा हूं, क्या हो रहा है इस केस में? इलेक्ट्रिक लाइंस कितना हुआ, कितना पास हो रहा है? जीरो. जीरो. अब देखो फिर से ऐसे, अब बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है मैक्सिमम. यस. अब क्या हो रहा है? मिनिमम. अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ आई ना सर. मतलब जैसे एंगल चेंज होता है वैसे n number of lines, imaginary lines कम ज़्यादा होती है. हाँ, मतलब अगर constant figure हो और n number of imaginary source same हो, तो imaginary line कैसा pass करेगा? Constant pass करेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ. Time up होगा तो rejoin हो जाना. Time up होगा rejoin होगा. जैसे मान लीजिए दिख रहा है 3D में? नहीं दिख रहा है. मान लो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, और यहां से n नंबर ऑफ लाइंस आ रही. यहां से जब आएंगे बेटा इधर बाहर भी तो निकलेंगी. हाँ आया ना? क्लियर? मतलब इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का. यहां से इमेजिनरी लाइंस आया और इधर से निकल. आया ना? हाँ सर. इस केस में एरिया वेक्टर किधर होगा या एरिया वेक्टर हो? आया ना? और यह क्या yes, है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. हाँ या ना? दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो. जीरो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकला? वन. मारेंगे बहुत मार. ईए. क्यों ईए? क्यों ईए? क्योंकि ईए जीरो होगा. कौन जीरो का वैल्यू? वन होता है. वन. नहीं समझ में? समझ में आया नहीं आया? आया सर. अगर यही से रख करो लिख लिए? नहीं सर, नहीं लिखे. कट दे जाएगा, रिज्वाइन हो जाना. कट जाएगा, रिज्वाइन हो जाना.